दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मिली अंतरिम बेल पर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने साउथ दिल्ली में रोड शो का आगाज किया। दिल्ली के मेहरोली में आज सीएम केजरीवाल पार्टी के उम्मीदवार सही राम पहलवान के लिए रोड शो कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल का ये पहला रोड शो है। इस रोड शो में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ ही पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। जेल के बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने रोड शो का वीडियो शेयर कर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला भी बोला और लिखा कि तानाशाही के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ने को तैयार है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दक्षिण दिल्ली के मेहरोली में विशाल रोड शो किया गया। वहीं इस रोड शो के दौरान केजरीवाल ने अपने जेल जाने को लेकर मोदी सरकार से सवाल भी पूछा। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने उन करोड़ों लोगों को शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके लिए दुआएं की थी। सीएम केजरीवाल ने खास तौर पर महिलाओं को शुक्रिया कहते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद का नतीजा है कि कल एक चमत्कार हुआ और मैं आज आप सबके बीच में हूँ। रोड शो में केजरीवाल ने कहा कि जब उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तो मैं सोच रहा था कि मेरी गलती क्या थी। मेरी गलती ये है कि मैंने दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाए। जब मैं तिहाड़ गया तो उन्होंने 15 दिन के लिए मेरा इंसुलिन बंद कर दिया। कैसे हैं सब लोग? मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को। जेल के अंदर जब मैं था आप लोगों की बहुत याद आती थी, दिल्ली के लोगों की बहुत याद आती थी। अंदर मेरे को आप ही की चिंता रहती थी, मेरे को चिंता रहती थी मेरे दिल्ली के बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, मेरे को चिंता रहती थी स्कूल ठीक से चल रहे हैं नहीं चल रहे, मेरे को चिंता रहती थी लोगों की बिजली ठीक से आ रही है, महिलाओं को बस में फ्री में सफर मिल रहा है। कई महिलाओं को ये फिक्र थी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, अब हमारे 1000 रुपए महीने का क्या होगा। मैं आपको कह के गया था मैं जल्दी लौट के आऊंगा, मैं आ गया, अब आप चिंता मत करना। मैं अपनी माताओं को बहनों को कहना चाहता हूँ चिंता मत करना, 1000 रुपए महीने भी आपके चालू करवाऊंगा जल्दी। अब आपने इन्होंने मेरे को गिरफ्तार किया, मैं सोच रहा था मेरे को क्यों गिरफ्तार किया, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं ये लोग। छोटा सा आदमी हूं मैं, छोटी सी पार्टी है हमारी और हमने मेरे को गिरफ्तार कर लिया क्यों। मेरा यही कसूर है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, मेरा यही कसूर है मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे अस्पताल बनाए, मेरा यही कसूर है कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए, मेरा यही कसूर है कि आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए फ्री का इलाज का इंतजाम किया, फ्री दवाइयों का इंतजाम किया, आपके परिवार के लिए मैंने फ्री दवाइयों का इंतजाम किया। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया भाई साहब 15 दिन तक इन्होंने मेरे को शुगर की इंसुलिन नहीं दी, मैं बिना इंसुलिन के 15 दिन तक तिहाड़ के अंदर रहा। इनसे मैंने गिड़गिड़ाया मैं तिहाड़ के अंदर कि मेरे को इंसुलिन दे दो, शुगर का मरीज हूं मैं। जब मैं बाहर था 52 यूनिट्स इंसुलिन डेली लेता था, अंदर इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दी। वहीं केजरीवाल के रोड शो में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी समर्थक पहुंचे और केजरीवाल के रोड शो पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कह सकते हैं कि केजरीवाल के अंतिम जमानत से इंडिया गठबंधन के नेताओं और समर्थकों का जोश काफी हाई है। घर का मुखिया थोड़ा नहीं होना घर पे, थोड़ा दिल तो दुख तो होता ही है, है कि नहीं? घर का मुखिया अगर घर पे नहीं होता है तो दुख तो थोड़ा होता ही है, लेकिन दुख इतना नहीं था क्योंकि कमांड संभाल रखी थी उसकी बीवी ने। लेकिन अब तो भैया बल्ले 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 झाड़ू ले गई, ले गई बोर्ड झाड़ू सारे साफ करके। अच्छा? देख ले मेरे भाई क्या बात करते हो। लोगों में उत्साह आ गया है, आ गया लोगों में उत्साह बहुत, मतलब लोगों में एक ऊर्जा आ गई है, मतलब ये मार्जिन बढ़ जाएगा। अच्छा? हाँ पक्का। जीत पहले भी रहे थे? हाँ जीत पहले भी रहे थे, लेकिन मार्जिन क्योंकि लोग एक्चुअल में तंग हो चुके, ना सरकारी नौकरी है ना कोई कारोबार है, बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों ने। भाई साहब दिल्ली में जो माहौल है और जो देश में भी माहौल है,
कहा जाए तो उनके 400 पार का नारा फेल हो चुका है। वो इतने घबरा गए हैं इस गठबंधन से कि उनको अब सपने में भी केजरीवाल ही दिखाई देता होगा, जो उनकी स्थिति ऐसी हो रही है। सर एक बात बताओ, सरकार वो होती है जो गरीबों को रोजगार देती है। सरकार जब गरीबों को रोजगार नहीं दे सकती, नौकरी नहीं दे सकती, हर अपने वादे से फेल हो रही है, तो वो सरकार पे बात ही नहीं करते। वो सरकार कैसे आ जाएगी? सब घुमा फिरा के बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान पे आ जाएगी। वहीं एक और केजरीवाल के रोड शो को लेकर उनके समर्थकों में जोश दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ केरल से आए कुछ लोगों ने सड़क पर लोक नृत्य भी किया। इस दौरान आपकी महिला समर्थकों ने केजरीवाल के समर्थन में नारे भी लगाए।